नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। जबलपुर में भू माफियाओं की एक बार फिर खैर नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के सभी कलेक्टर को सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर भरत यादव ने सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भू माफियाओं के ऊपर सख्त कार्यवाही करने को लेकर समीक्षा बैठक ली। माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने को लेकर जिला कलेक्टर भरत यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए सूची तैयार करने की बात कही। जहां इससे पूर्व में भी जब कांग्रेस सरकार थी, तब भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए अभियान चलाया गया था। वहीं अब प्रदेश में भाजपा की सरकार द्वारा पुनः भू माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं बैठक के बाद कलेक्टर भरत यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री और शासन के निर्देश अनुसार भू माफियाओं के ऊपर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर आज सभी विभागों को लेकर बैठक की गई, जिसमें भू माफिया, मिलावटखोर, अवैध कब्जाधारी, सहकारी समिति भ्रष्टाचार, खनिज माफिया हो या फिर चिट फंड वाले हो या अवैध कॉलोनाइजर हो, जो अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हो, ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही की जानी है, जिसके लिए सभी विभाग मिलकर ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्यवाही करेंगे। इनकी सूची भी तैयार कर ली गई है, जल्द ही कार्यवाही चालू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इसमें देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, शासन के निर्देश हैं कि जो बड़े माफिया हैं, जो कई तरह की अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उन पे सभी विभाग मिलके कार्रवाई करें, चाहे वो भू माफिया हों, चाहे खनिज माफिया हों, चाहे अवैध कॉलोनाइजर्स हों, चिटफंड हों, चिटफंड वाले जो माफिया हैं वो हों, सहकारी जो हाउसिंग समितियां हैं उसके माफिया हों, या जो मिलावटखोर हों, सब लोगों पे सख्ती से कार्रवाई हो। इसके लिए आज सभी विभागों के साथ बैठक की गई है और ऐसे लोगों की सूची बन गई है, उसको अपडेट किया जा रहा है और उनकी सभी गतिविधियों का पता कराया जा रहा है, जिससे कि इकट्ठे एक साथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, उनके खिलाफ़ अपराध क्या हैं उसकी भी जानकारी एकत्रित की जा रही है और ऐसे लोगों पर सख्ती अब कार्रवाई सभी विभाग मिल के करेंगे और सभी एरिया में करेंगे, जिससे कि उनकी पूरी तरह से कमर को तोड़ा जा सके। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।